हेलो एवरीवन, जैसा आप सभी को पता है, दिवाली से पहले पीएससी ने आपको एक बम्पर ऑफर दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की डेट जारी कर दी गई है एमपीपीएससी के द्वारा। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। कब होने वाला है? 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। दोस्तों, इसको देखते हुए आज हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग कितना समय बचा हुआ है। तो सर, लगभग हमारे पास 100 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हुए हैं? 100 दिन बचे हुए हैं। अब 100 दिन में हमें कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ देखते हुए कि एमपीपीएससी ने 16 फरवरी 2025 आपकी तारीख दी है प्रीलिम्स एग्जाम की, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपी का एक स्पेशल बैच लेके आया हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 45 से लेके 50% हर साल एमपी से पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा, कभी आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो देखा होगा कि लगभग 45 से लेके 50 नंबर का या 50 क्वेश्चन हमारे एमपी से आते हैं और लगभग 5 से 6 यूनिट हमारी एमपी की है। तो उसी को देखते हुए जो बच्चा एमपी में कमज़ोर है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अच्छे से उसे आता नहीं है, मैपिंग के थ्रू उसने कभी पढ़ा नहीं है, उससे इमेजिन नहीं हो पाता है एमपी, तो मैं उसी को देखते हुए आपके लिए लेके आया हूँ एमपी का एक स्पेशल बैच। दोस्तों, यह बैच हमारे जो एप्लीकेशन है एग्री मालवा एकेडमी उस पर आपको मिलने वाला है। किस पे मिलने वाला है? हमारी जो एप्लीकेशन है एग्री मालवा एकेडमी, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, आपको वहाँ पर हमारा एक एप्लीकेशन दिखेगी एग्री मालवा एकेडमी के नाम पर। जब उसे ओपन करेंगे आप रजिस्टर्ड करने के बाद, तो आपको मध्य सामान्य ज्ञान का आपको क्या मिलने वाला है? एक बैच मिलने वाला है। उसमें जाके आपको ऑनलाइन क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। दोस्तों, अभी दीपावली चल रही है, 5 दिनों के लिए मैंने आपके लिए ऑफर रखा है कि जो केबल जिसका रेट 1000 रुपये था उसे मैं आपके लिए ओनली 500 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। तो मैं आपको इसमें पूरा जो मैं पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी सिलेबस की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ साथ मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँगा, साथ साथ फ्री में मेंटरशिप प्रोग्राम भी दूंगा, जिसके तहत क्या होगा कि आपसे एमपी के जिस प्रश्न में भी आप उलझते हैं वो आप आसानी से पूरा कर देंगे या आसानी से इमेजिन करके बना देंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कभी आपने अभी एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, एग्री मालवा एकेडमी को आप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको 2 से 3 जो वीडियो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप देखिए कैसे लगते हैं आपको, कभी अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर बैच को ज्वाइन कीजिए। कभी आपको एमपीपीएससी 2025 निकालना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 से 6 यूनिट और लगभग 45 से 50 प्रश्न यानी 100 नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं? एमपी से पूछे जाते हैं। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, सर आप क्या क्या कवर कराने वाले हैं हमें एमपीपीएससी के सिलेबस में जो आपने नया बैच लॉन्च किया है उसमें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो क्या क्या एमपी से पूछा जाता है। ये पूरा सिलेबस है, दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ये पहली यूनिट है भारत का इतिहास, एमपी से रिलेटेड नहीं है। दूसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। अब दोस्तों देखिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सर आपने 500 रुपये ज़्यादा रेट रख दिए, ज़्यादा रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। क्या क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना एवं प्रमुख राजवंश। क्या क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अब देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक और यहाँ से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्रता में योगदान से। फिर देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला से प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी बोलियां, पिछली बार भी एक बोलियां से प्रश्न आया था तो उसे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ, हर साल साहित्यकार से एक प्रश्न पूछा जाता है। और व्यक्ति को याद नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक है साहित्यकार की कि आप कभी एक बार पढ़ लेंगे तो आप कभी उन्हें भूल नहीं सकते। तो मैंने उस सिलेबस को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है बच्चों, क्योंकि मैं भी पहले पढ़ता था, मुझे भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती थी, तो वहाँ कहाँ कठिनाइयाँ होती थी उन सभी बिंदु को मैंने आपको सिलेबस में रखा है। और कैसे याद कराना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप केवल क्या बैच ज्वाइन कीजिए
और मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। फिर देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल आप सभी को पता है, ओरछा को अभी हाल शामिल करने की बात की गई है, तो हम टेंटेटिव साइट्स की भी हम बात करेंगे, तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, करंट से कनेक्ट होकर पढ़ेंगे हर चीज़। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ व्यक्तित्व, तो यह सभी जनजाति का पार्ट है, जनजाति व्यक्तित्व और जनजाति की बोलियाँ, यहाँ पे भी हम एक बार कवर कर लेंगे, साथ साथ यूनिट 10 में भी कवर करेंगे। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं अगली यूनिट की, तो सर देखिए आगे कौन सी है, चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल से आप सभी को पता है हर साल क्या पूछते हैं कि कौन सी पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है, कभी पूछ लेता है मध्य प्रदेश की उच्च चोटी किस श्रेणियों पर स्थित है, तो इसका जो भूगोल का जो मैंने तोड़ आपके लिए निकाला है वो निकाला है मैप। क्या निकाला है? मैप। और मैप के थ्रू मैं आपको इसे कवर कराने वाला हूँ। किसके थ्रू कराने वाला हूँ? मैप के थ्रू। देखिए हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वन, वन उपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार। फिर उसके बाद जलवायु, जलवायु हर बार प्रश्न पूछा है, पिछली बार भी पूछा हुआ था, इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में मध्य प्रदेश की जलवायु कराऊंगा, ऋतुएं, तापमान, वर्षा। फिर प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, फिर प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं नगरीकरण। तो इतना हम मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और सिलेबस को कभी आपको लग रहा है कि सर 90 दिन में कवर नहीं करा पाएंगे, तो मैं आपको 70 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट करा दूंगा, और इतना डिटेल में कराऊंगा कि आप बस एक बार रिवीजन करेंगे जाते समय, अपने नोट्स बनाइएगा, मैपिंग के थ्रू हम पढ़ेंगे, आपको आसानी से हर चीज़ याद हो जाएगी। इस जो हमारा बैच है इसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो मेरे नंबर 1-888-1-88-67-858 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी 8-8-1-88-67-858 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं, तो संवैधानिक, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हो सर आप हमको? तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, YouTube पे आप सर्च करेंगे बहुत अच्छा मिलने वाला है, साथ साथ बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको और डिटेल में मिलने वाला है। फिर देखिए मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था की भी हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभी शासन व्यवस्था, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था बहुत डिटेल में, मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी सुशासन जो संस्था है भोपाल में, वहाँ जितनी भी रिपोर्ट प्रकाशित करता है उन सभी रिपोर्ट को लेकर हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो आप समझिएगा कि मेरा रिसर्च कितना ज़्यादा है एमपी के लिए, और उसनी सभी रिसर्च को मैं आपके सामने परोसने वाला हूँ, और इतने इजी फॉर्म में परोसने वाला हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। फिर देखिए हम और बात करते हैं, तो फिर आती है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधन का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इन सभी पे बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, हर साल रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम इसे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, आप देख रहे हैं डेली इन्वेस्ट एमपी कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है, कभी सागर में, कभी रीवा में, उन सभी में कितना भारत मध्य प्रदेश में आया है पैसा इन्वेस्ट के लिए, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, इस पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर की प्रगति पे बात करेंगे। फिर देखिए बस इतना ही हमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है पर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न बने। फिर देखिए इधर हम लास्ट में आते हैं, तो 8th यूनिट आती है, तो 8th यूनिट किससे रिलेटेड है? करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको डेली पढ़ाऊंगा। कहीं ना कहीं YouTube चैनल पे आपको करंट अफेयर मिलेगा, लास्ट में मैं सबको कॉलैप करके दूंगा, कभी आपको विश्वास नहीं हो पाता है तो पिछली बार जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था उसे आप एक बार देख के जाइएगा, आप बोलेंगे सर हर प्रश्न वहाँ से पूछा गया था, तो पूरा एनालिसिस बेसिस के ऊपर हमने तैयार किया है सिलेबस को, उसी आधार पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर आती है एमपी की 10th यूनिट, यही यूनिट है जो सब बच्चों को परेशान करती है
और इस यूनिट को इतने इजी फॉर्म में मैंने आप बनाया है आप लोगों के लिए कि आपको कभी समझ में नहीं आता है तो आप याद कर लेंगे, याद नहीं होता तो समझ लेंगे, कैसे ना कैसे तुक्का लगा के आप जरूर उसे क्या करके आएंगे, कवर करके आएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति कहाँ पर रहती है, मध्य प्रदेश की कोल जनजाति कहाँ पर रहती है, सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है, छोटी छोटी जनजाति जो मध्य प्रदेश में 40 से अधिक जनजातियाँ हैं उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, उन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जनजातियों से संबंधित सांवैधानिक प्रावधान की भी हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजाति एवं घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं हम पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति जिसमें परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य को पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये हिस्ट्री का पार्ट है पर यहाँ पर भी हम इसे कवर करेंगे। राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व बादल भोई, तांत्या भील, मामा भील जिन्हें बोलते हैं, तो ऐसे रघुनाथ सिंह मंडलोई, तो इन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी व्यक्तियों के बारे में किसने क्या योगदान दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान संग्रहालय कौन कौन से हैं, पूछा गया 2 साल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रकाशन की बात करेंगे, पिछले साल भी एक प्रकाशन पर प्रश्न आया था। फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये तो हम यूनिट 2 में भी कवर करेंगे, यहाँ पर हम जनजातियों से रिलेटेड कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको कभी इस बैच से जुड़ना है, आपको जो मध्य प्रदेश के 45 से लेके 50 प्रश्न आते हैं उनमें से 45 आउट ऑफ 45 या 50 आउट ऑफ 50 नंबर लेके आने हैं या प्रश्न बनाने हैं तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मेरा जो एनालिसिस है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी आपका एक एमपी का प्रश्न गलत होता है तो आपके 25% चांसेस क्या हो जाते हैं, भार होने के हो जाते हैं। कभी दो होते हैं तो लगभग 50% चांस है कि आप प्रीलिम्स से भार हो जाएंगे। कभी 3 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं एमपी से रिलेटेड तो यकीन मानिएगा आपके 100% चांसेस हो जाते हैं कहाँ से, एमपीपीएससी प्रीलिम्स पे भार होने के। तो कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपको इन्हीं सबसे लग रहा होगा जो मैंने एनालिसिस किया है। तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ हमारे सिलेबस के बारे में या हमारे जो हमने बैच लॉन्च किया उसके बारे में कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उसका नाम है, आपको एग्री मालवा एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस पर जाकर इस कोर्स को क्या करना है, खरीदना है। यह बैच आपके लिए लाइव है, कुछ डेमो क्लासेस भी उसके ऊपर हैं, आप जाइए एक बार डेमो क्लासेस देखिए। कभी आपको लगता है कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरे प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है वो सब, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आपके लिए यह एक संजीवनी बूटी का काम करने वाला है और संजीवनी बूटी जिसको मिल जाती है वो राजा बन जाता है। और आप सभी को सिलेक्शन लेना है, अभी 5 दिन स्ट्रेस को कम कीजिए, दीपावली बनाइए, अच्छे से बनाइए, फटाके आराम से फोड़िए, सावधानी से फोड़िए और 4 दिन बाद फिर ऐसे रूम में घुसिएगा कि केवल मुझे पढ़ना है और पढ़ना इतना है कि मेरे कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से हिले ना और मेरा प्रीलिम्स जरूर निकले। क्योंकि आप सभी को पता है एमपीपीएससी बड़ी मुश्किल से वैकेंसी निकालती है और आजकल बहुत कम वैकेंसी निकालती है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो कंपटीशन को देखते हुए हमारी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमें कम से कम 85+ स्कोर करना है। क्योंकि 80 के नीचे गए तो आपके चांसेज लगातार गिरते जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है आप भी ईमानदारी से पढ़िए, बैच को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं हम डेली लाइव क्लास में 5 तारीख से। धन्यवाद।